प्लीज मत करिए ये जबरदस्ती है। सुनिए नहीं पता है। अच्छी बात क्या है, तुम्हारे अंदर गुस्सा कम और दुख ज्यादा है। गुस्सा और सेल्फ एस्टीम एक बराबर ही होते हैं। मेरा बस चले तो मैं उसकी बोटियां नोच नोच के कुत्तों को खिला दूं। बद्दे की सबसे ज्यादा खतरनाक फॉर्म क्या होती है जानती हो? I want to kill him. अच्छा, अगर मौका मिले तो कैसे मारना चाहोगी उसे? वो मौत जिसे दुनिया देखकर कांप जाए और मौत खुद डर जाए। तुम तो ये भी नहीं जानती कि अपने दुश्मन को किस तरह से मारा जाए। इतनी अच्छी हो तुम अंदर से। सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने, सब कुछ। शादी, एतबार, रिश्ते, थूकने का दिल करता है मेरा इन लफ्जों पर। हरामी कुत्ता, पहले पहले अपनी मां बहन की बनी हुई वीडियोस दिखाता ना मुझे, फिर मैं भी बनवा लेती। कहाँ जा रही हो? बैठो, बैठ जाओ। शाबाश, रिश्तों का एतबार तो है तुम्हें, तभी तो कॉल किया था तुमने अपने अम्मा अब्बा को। उन्होंने तो बचाया मुझे, वरना तो मैं अब तक मारी खा रही होती, या फिर वो पॉर्न स्टार मशहूर हो चुकी होती। कौन लोग होते हैं ये, क्या आप बता सकते हैं? तुम बताओ। मुझे लगता है जिन्हें खुद अब्यूज और यूज किया गया होता बचपन से, जो होता है ना इनके साथ, ये वही करते हैं दूसरों के साथ। यू नो व्हाट, कोई सोच सकता है अपनी बीवी के लिए अपनी शादी की फर्स्ट वेडिंग नाइट पे सेक्स चॉइस का पूरा बॉक्स लेकर आया था? हरामी सुअर। ये बात कभी बताई नहीं तुमने मुझे। कैसे बता सकता है कोई? अपना दुख शेयर करने के लिए हिम्मत भी तो चाहिए होती है ना, कोई सोच सकता है? यू नो व्हाट,
वो मुझे रेप करना चाह रहा था और वो भी ऑन कैमरा। ओ गॉड, मेरा जी करता है कि मैं आप मुझे बता सकते हैं कोई जिसे मैं पैसे दूं और वो उसे मेरे सामने लाके मार दे। हम उसका मर्डर प्लान करके ही उठेंगे आज, डोंट वरी। कॉफी मैं लेकर आता हूं। सर, आप मजाक तो नहीं कर रहे? हम वाकई उसका कत्ल प्लान करके ही उठेंगे, बल्कि उसको दफन करके उठेंगे। मैं अपना सब सोना बेच दूंगी साथ में उनको पैसे देने के लिए। ये कत्ल फ्री है, नो मनी रिक्वायर्ड। एक्सक्यूज मी, दिस इज इंपॉर्टेंट। यस, दोनों आई मीन ए सेशन आ गए, बिठाइए उनको, मैं आ रहा हूँ। दोनों आ रहा हूँ, बिठाइए उनको। थैंक यू। तुम कॉफ़ी पियो, मैं दो मिनट में आया। रात यादगार बना रहा हूं। चुप करो, उतारो कपड़े। मेरे सामने ये नाशा ना करना। बीवी है तू मेरी, जो दिल चाहेगा करूंगा। चल, ज्यादा शराफत के ड्रामे ना कर। मुझे मत बता कि क्या गलत है और क्या सही। गला काट दूंगा। ज्यादा चूचू की तो सीधी हो। क्या कर रही हो तुम? यही सब कुछ हुआ था मेरे साथ। यही वाली नाइफ थी। मैंने अब सोच लिया, मैं अब उसको इसी नाइफ से मारूंगी। डन।
ये तो हो गया एक हथियार। एक काम करोगी, कितनी गालियां आती हैं तुम्हें? क्यों? इस पे नाम लिखो अपने साहब का, शौहर का। प्लीज उसे मेरा शौहर मत कहें डॉक्टर साहब, ये लव सबसे बड़ी गाली है मेरे लिए। तो गालियां ही तो देनी है हमने, नई पुरानी गंदी लानतें गुस्सा हर वो बुरी बात जो तुमने अपने शौहर को कहनी थी लिख दो। एवरी अब्यूज एवरी कर्स अंडर द स्काई इस कागज पे लिख दो। समझो ये तुम्हारा शौहर है, लिख दो। बोटी बोटी कर देते हैं उसकी। ये बात देखो कैसा चेहरे पे दिन निकल आया है। मार डाला उसे हमने, ऐसी मौत जो आज तक कभी किसी को नहीं मिली होगी। इट्स टाइम टू मूव ऑन। तभी डॉक्टर साहब प्लीज आप मेरे पेरेंट्स से बात कीजिएगा कि वो अब मुझसे दूसरी शादी की बात नहीं करें। प्लीज डॉक्टर साहब वो आपकी बात जरूर मानेंगे क्योंकि मुझे अब इस रिश्ते से नफरत हो गई है। तुम मैं हम सब इसी रिश्ते से तो बंधे हुए हैं। तुम्हें इस रिश्ते से नहीं
उस शख्स से नफरत थी जिसे तुमने अभी अभी मार दिया है। मैं अब कैसे किसी पे एतबार कर सकूंगी? एतबार करना पड़ता है। इस अनसेट रूल पर पूरी दुनिया का हर माशरा कायम है। मुझ पर एतबार था ना, तभी तो तुम यहाँ आई। एतबार होता है तभी तो हम किसी रिक्शे टैक्सी वाले के साथ बैठ जाते हैं। मैं अब अपने साथ कोई तजुर्बा नहीं करना चाहती। ट्रस्ट इज ओनली एन एंटिसिपेटेड एक्सपेरिमेंट, और ये उस शख्स की दूसरी मौत होगी ताबीर। ट्रस्ट, जिस लम्हे तुमने दोबारा जीने का फैसला कर लिया, उसी पर उस शख्स की सिंबॉलिकली नहीं, वाकई मौत हो जाएगी। I promised you, we'll murder him. And we did. It's time to move on.